जिसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि जहाँ पर uh, उन्होंने एक ऐसा थाट एक्सपेरिमेंट सोचा था कि अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप से एक पेनी को फेंका जाए हम एसिलेशन की बात कर रहे हैं इसीलिए और नीचे अगर कोई इंसान खड़ा है तो इट विल हार्ड हिम लाइक अ बुलेट राइट तो उन्होंने इस तरीके से पहले कंक्लूजन दिया था कि जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा वैसे वैसे, वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द हाइट एंड ग्रेविटेशन नाउ साइंटिस्ट एक ऐसे प्रूफ के साथ आए कि देर विल बी अ टाइम जब वो अपनी स्पीड कॉन्स्टेंट कर देगा मुझे एग्जैक्ट टर्म समझ में नहीं आया कि कैसे ये पॉसिबल होगा कि आफ्टर सम टाइम वो अपना पावर uh, भी उतना ही लग रहा है ग्रेविटेशन का उसका मास भी सेम रह रहा है तो फिर किस तरीके से ऐसा हो जाता है कि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रह जाती है एंड इट विल नॉट हिट हिम लाइक अ बुलेट हो अंपायर बिल्डिंग से हम थोड़ा और इसमें आ जाते हैं अपने रोज, रोजाना की जिंदगी में आ जाते क्लाउड्स जो होते हैं बादल वो कितने हाइट पर होते हैं ट्वेल्व किलोमीटर अबाउट फाइव किलोमीटर्स अंपायर बिल्डिंग का हाइट उतना तो नहीं होगा हम समझते हैं? वो फाइव किलोमीटर्स तो नहीं होगा उससे तो कमी होगा क्लाउड्स में से पानी बरसता है ना जमीन पर आता है ना मेरे सिर पर गिरता है ना मेरे को तो नहीं लगता है बुलेट के तरह पांच किलोमीटर से आ रहा है और नीचे आता है तो आप जानते हो नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है अगर दो मीटर से मेरे सिर पर एक कोई कंचा आके टकरा जाए छ मीटर से तो मेरे को बड़ी चोट लगेगी लेकिन वो पांच किलोमीटर से जो पानी आता है उसके अंदर में बच्चे खूब नाचते कूदते हैं गली के अंदर में खेलते हैं, हम भी बहुत खेलते थे पानी पर था तो खूब पानी पड़ता रहता था सिर के ऊपर कोई समस्या नहीं होती थी वन सेकेंड वन सेकेंड ये जो पेनी आ रही है या ये जो पानी की बूंद आ रही है धरती उसको नीचे खींच रही है और धरती नीचे की तरफ खींचने के कारण से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रवेग पैदा कर रही है लेकिन वो हवा है वो पांच किलोमीटर हवा में से होकर के उसको आना है ये हवा भी उस ड्रॉप के ऊपर ऊपर के तरफ फोर्स लगा रही है और हवा जो ऊपर के तरफ फोर्स लगा रही है तो अब ये ड्रॉप या ये पेनी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के प्रवेग से नहीं आ रही है ओके okay? और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये हवा वाला वेग जो है वो वो बल जो है वो भी बढ़ता जाता है ओके okay? आप आराम आराम से अपना स्कूटर चलाओ स्कूटी चलाओ तो आपको हवा का प्रभाव कम लगता है लेकिन आप बहुत स्पीड में चलाओ तो हवा का प्रभाव जो है वो ज़्यादा लगता है तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वो हवा के कारण जो बल है वो भी बढ़ता जाता है तो जब ऊपर से गिरना शुरू हुआ उसका स्पीड बढ़ा 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 बढ़ते बढ़, और हवा वाला बल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ने से हवा वाला बल भी बढ़ता है तो एक स्पीड ऐसा आ गया कि अब हवा ने उतना बल लगा दिया ऊपर की तरफ जितना धरती नीचे लगा रही थी नाउ इट बिकम्स कॉन्स्टेंट अब वो एक किलोमीटर से गिरे या दो किलोमीटर से गिरे या पाँच किलोमीटर से गिरे यहाँ पर उतने ही स्पीड से आएगा क्योंकि जहाँ उसको वो वाला स्पीड मिल गया जहाँ हवा का बल और धरती का बल बराबर हो गया वहीं से उसने सेम सेम वेलोसिटी से सेम वेग से वो अब नीचे आता चला जाएगा क्या होगा सर वो आप देख लो वर्षा में कितना होता है वो डिपेंड करता है साइज क्या चीज़ है उसके साइज़ पे। जितना छोटा चीज़ रहेगा हवा का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा बिकॉज़ सरफेस एरिया बड़ा है हवा को इंटरेक्शन का मौका ज़्यादा है और जितना हेवी चीज़ है सरफेस एरिया के मुकाबले हेवी है तो उस पर हवा का असर कम पड़ेगा है ना तो इसीलिए इसीलिए जब आप एक किताब को और एक कागज़ को गिराते हो हुँ? आप जब आप किताब को और कागज़ को गिराए हाँ ठीक है ये कागज़ है और ये किताब है इन दोनों को जब आप गिराते हो तो धरती दोनों को बराबर बल से नीचे खींच रही है और हवा जो है इस पर ऊपर बल लगा रही है इस पर भी ऊपर बल लगा रही है और करीब करीब बराबर लगा रही है इसको अगर मैं और बराबर साइज़ का कर दूँ इस पन्ने को और बराबर साइज का कर लूँ नहीं मैं इसमें से पन्ना निकाल देता हूं ना एकदम सेम साइज़ हो जाएगा हवा जितना बल इस पर लगाएगी उतना ही बल इस पर लगाएगी सेम सेम एरिया है ना हवा को तो सेम एरिया में लगाने के लिए लेकिन ये हल्का है उतना ही बल इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पैदा करेगा इसको रोकेगा उतना ही बल इसको उतना नहीं रोक पाएगा बिकॉज हैवी है तो आप जब गिराओगे तो ये बहुत देर में गिरेगा और ये लेकिन हवा नहीं होती अगर तो दोनों साथ गिरते वो फेमस एक्सपेरिमेंट है है ना वो वैक्यूम करके और आ आ, गिन्नी कर फेतर अच्छा तो अच्छा और देखो ये हम ये काम कर लेते हम ये काम कर लेते बिना इवैक्यूएशन के भी इसके ऊपर इसको रख देते और अब गिराते तो इस ये भी गिरेगा लेकिन इसके गिरने के लिए जो जगह है वो ये खाली करेगा तब ये जाएगा है ना तो हवा बीच में नहीं है तो हवा ऊपर की तरफ बल नहीं लगा पाएगी राइट right? दोनों साथ में आएंगे <laughs> क्योंकि अब हवा को जो इधर मौका था इधर बल लगाने का वो हमने छीन लिया अब ये जो गिर रहा है ये वैक्यूम में गिर रहा है इसने अभी यहां पे हवा नहीं है ना जहां ये नोटबुक है वहां हवा नहीं है ना वहां तो नोटबुक है हवा कहां है अब जब ये हटेगी वो जगह खाली होगी तब तो हवा वहां पे पहुंचेगी लेकिन उसके पहले ये पन्ना तो उसमें नीचे आ जाएगा तो ये वैक्यूम में गिर रहा है ये पन्ना मेरा वैक्यूम में गिर रहा है इसको हवा नहीं मिल रही है खाली ऊपर से हवा मिल रही है नीचे से नहीं मिल रही है <laughs> तो इसलिए हवा का प्रतिरोध इस पर नहीं लग रहा है और ये साथ गिर रहे तो ये ध्यान रखिएगा आपके दोनों प्रश्न के भी अंदर में एक ही चीज मिस हो रही थी जब हम किसी गति को की व्याख्या करते हैं किसी गति की बात करते हैं तो सारे बलों को ध्यान में रखना खाली एक बल नहीं अगर दो बल लग रखे हैं तीन बल रख रखे हैं तो सबका मिला करके उसका प्रवेग बनेगा केवल धरती के बल से प्रवेग नहीं बनेगा अगर हवा है तो हवा वाला बल भी शामिल करना पड़ेगा पानी है तो पानी वाला बल भी शामिल करना अगर मेरे हाथ में है चीज और मैं अपने हाथ से उसको ऐसे उछाल रहा हूं तो जब तक वो मेरे हाथ में है तब तक हाथ वाला जो बल है उसका भी हिसाब करना पड़ेगा रिजल्टेंट क्या प्रति परिणामी परिणामी हाँ तो जो सारे फोर्सेस का असर देख करके तब डिसाइड करना कि प्रवेग कितना होगा और किधर होगा है ना हम ये सब जो सवाल बनाते हैं उन सब सवाल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि भारी चीज़ है हवा का बहुत कम हवा के कारण से फोर्स है तो उसको हम लोग भूल जाते छोड़ देते हैं लेकिन हाँ ये ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वन पॉइंट टू टू सेकेंड में यहाँ पहुँच जाएगा ये कागज़ के लिए नहीं चलेगा ये जो कागज़ अकेला कागज, कागज गिरा दो तो उसके लिए ये फार्मूले नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें केवल धरती का बल माना है मैंने हवा का बल छोड़ दिया है लेकिन हाँ अगर हम कुछ कॉइन गिरा दे दस रुपये का सिक्का गिरा दे तो चलेगा लेकिन दस रुपये का नोट गिरा दे तो नहीं चलेगा दस रुपये के सिक्के पर ये इक्वेशन चलेंगे दस रुपये के नोट पर ये इक्वेशन नहीं चलेंगे दोनों दस रुपये